मेरे भैया का मर्डर कर दिया गया एंड लेट गो कर दिया लोगों ने, चीजें ऊपर उठने ही नहीं दी लोगों ने, जाने दिया सब कुछ। ले जो ले जो ले जो ले जो ले जो, खेल लो खेल लो। तो 18 मई है आज, और जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि जो वीडियोस हैं वो अभी 8-10 दिन से थोड़ा सा इधर उधर हो रही हैं, आ नहीं रही हैं प्रॉपर टाइमिंग पे, क्योंकि अब जो रीज़न है वो है ये मंथ मई थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहता है, ये मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज रहता है ये मई वाला। स्टार्ट करते हैं अब वीडियो। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गर्मियाँ बहुत चल रही हैं, आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। तो हम लोग गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं डायरेक्ट आती हूँ 18 मई पर, मैं इधर उधर नहीं जाऊँगी। लाइक इससे पहले इससे बाद में जो चीज़ें रहीं, मैं हो सकता है बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ वो चीज़ें, मैं बहुत इधर उधर नहीं करूँगी, सीधा स्ट्रेट मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ। 18 मई 2016, 18th of May 2016 मैं मथुरा में थी, और लाइक नॉर्मल मैं मथुरा में जॉब कर रही थी उस समय पे। एंड दैट डे शायद ऑफ था, आई थिंक वो ऑफ था शायद, आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं है इतना। तो के भैया का पता चला कि नहीं चला, पता चला कि नहीं चला, मेरे इकलौते भाई के बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, एक ही भाई, मेरी कोई बहन नहीं है, इकलौती बहन, लाइक भरी पूरी फैमिली थी मेरी, सब कुछ था, बहन भी थी, भाई भी था, हर कोई था, लेकिन आज मैं अकेली बैठी हूँ। चलो बहन वाली चीज़ें तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग में नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस समय पे, लाइक शायद 2 या 2.5 साल की थी, तो मुझे सच्चाई नहीं पता है। जो मुझे चीज़ें पता चली उनके बारे में, वो भी मुझे पता चली जब मैं 28-29 साल की हो गई, लाइक बहुत लेट मेरे को पता चला उनके बारे में चीज़ें, मुझे नहीं पता थी, मुझे बताई नहीं गई थी शायद। स्ट्रेट मूव करते हैं हम लोग 18 मई 2016 पे। सिम्बा अगर बदतमीजी करी तो मैं पिटाई कर दूंगी तुम्हारी। तो मूव करते हैं 2016 पे हम लोग सीधा। मैं लगातार घर पे फ़ोन कर रही थी, घर पे मतलब जो मेरे लाइक मेरे जो कज़न्स वगैरह थे, मैं उनको फ़ोन कर रही थी कि क्या है क्या नहीं है, कैसे है क्या नहीं है। इससे पहले वाली जो स्टोरी है वो मैं अभी शायद आपको उतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, इसलिए मैं डायरेक्ट आज के दिन पर आ गई, क्योंकि आज का दिन सुबह से ही दिमाग में चल रहा था। तो मैं घर पे फ़ोन कर रही थी, पापा मम्मी ये लोग नोएडा थे उस समय पे, और जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर मैं लगातार फ़ोन कर रही थी कि पता चला नहीं पता चला, पता चला नहीं पता चला, कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, क्या है क्या नहीं है। हम लोग 5 दिन से सर्च कर रहे थे, 4-5 दिन हो गए थे हमें ढूंढते 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 ढूंढते, कुछ नहीं पता चल रहा था, कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। अचानक से जहाँ मेरा घर है, जहाँ से मैं रिलेट करती हूँ, वहाँ जो मेरे घर के आसपास के जो लोग हैं, वहाँ से एक फ़ोन जाता है मेरे पापा के पास कि न्यूज़पेपर में कुछ आया है और आप लोग आकर एक बारी देख लीजिए अगर ये सही है कि नहीं है। तो
और जहाँ पुलिस स्टेशन में पापा मम्मी थे नोएडा में, वहाँ पर भी जो पुलिस वाले थे सारे जितने भी ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने कहा कि आप एक बार चलकर देख लीजिए, लाइक उसको अगर नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलेंगे तो शिनाख्त कर लीजिए जाकर, हम चल रहे हैं आपके साथ, एक बार आप चलकर मन को संतुष्टि देने के लिए आप एक बार पहचान कर लीजिए आप। उस समय मुझे नहीं पता पापा मम्मी के ऊपर क्या बीत रही थी, पर मुझे नहीं पता थी ये चीजें। आई वॉज जस्ट के ढूंढ रहे हैं। अंदर दिमाग कुछ और कह रहा था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक उम्मीद होती है आपको, एक विश्वास होता है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अराउंड 10-10:30 बजे के आसपास मेरा कजिन ब्रदर है, सेम एज का है मेरी, उसका फोन आता है मेरे पास के भैया का जो लेटेस्ट अगर कोई फोटो हो तुम्हारे पास तो तुम प्लीज सेंड कर दो मुझे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? तो उसने कहा कि हम लोग लाइक मेरा जो कजिन ब्रदर, मेरे दोनों मामा के जो एक एक बेटा दोनों मामा के यहाँ से दोनों लोग पोस्टमार्टम हाउस पर थे और दे वांटेड टू कंफर्म कि वो वही थे या नहीं थे। तो मैंने उनका एक लेटेस्ट फोटो व्हाट्सएप किया कि जस्ट 1 month बिफोर, 15 डेज पहले का एक फोटो मैंने उनको शेयर किया अपने कजिन्स को, एंड उनको बोला मैंने कि आफ्टर 10 मिनट्स मैं तुम्हें दोबारा से फ़ोन करती हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो एक बारी, झूठ है। 10 मिनट बाद मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हाँ सही है। उस समय पे लाइक जो दिमाग में थी चीज कि ये नहीं होना है वही रहा। हम लोग सोच रहे थे कि दैट वाज किडनैपिंग, किडनैप किया हुआ है, पर नहीं, वो चीज नहीं थी। मैंने उसके तुरंत बाद पापा को फोन किया, पापा मम्मी पुलिस की गाड़ी के साथ नोएडा से घर की ओर आ रहे थे, लाइक सिम्बा नहीं बेटू सिम्बा, तो सिम्बा आ गया था बीच में। मैंने तुरंत पापा को फोन किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद उन्हें पता ही नहीं है चीजें, शायद आई डोंट नो मैंने क्या सोच के फोन किया। मैंने तुरंत पापा को फोन किया कि शायद मैं कंफर्म कर सकूं, शायद ये झूठ है, शायद बहुत बड़ा कुछ गलत फहमी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही हैं चीजें। तो आई कॉल्ड हिम कि मैंने पूछा, तो जैसे ही मैंने कॉल किया तो वो लोग पुलिस की गाड़ी के साथ ही घर आ रहे थे, लाइक मेरे होम टाउन आ रहे थे। और मैंने जैसे ही फ़ोन किया उन्होंने बोला, पापा ने, कि बेटा मम्मी दूसरी गाड़ी में है और भैया को चोट लगी है बहुत ज़्यादा और तुम घर आ जाओ, लाइक बहुत चोट लगी है भैया को, तुम घर आ जाओ, सिम्बू हटो वहाँ से, चोट लगी है उनको बहुत ज़्यादा, तुम घर आ जाओ। एंड उससे जस्ट 2 मिनट पहले मैंने
मेरे कजिन से बात की थी, जिसने मुझे कंफर्म करके बताया कि ऑल ओवर सब खत्म, शायद मैं दूसरे शहर में हूँ, मुझे आना है वहाँ। लाइक वो अंदर से तब भी मेरी टेक केयर कर रहे थे, मुझे बता नहीं रहे थे। मैंने इनको फोन किया कि टैक्सी एक बुक कर दो मेरे लिए, मुझे घर जाना है। ये समझ गए सीधा सीधा, क्योंकि उससे पहले जब मैं पुलिस स्टेशन गई थी 15th को, शायद 15th या 16th मई को मैं पुलिस स्टेशन गई थी, मेरे घर वाले 4 दिन से वहाँ पड़े हुए थे, तो ये गए थे मेरे साथ। मैंने इनको बोला मेरे लिए एक टैक्सी बुक कर दो, मुझे घर निकलना है तुरंत। मैंने फटाफट से एक बैग में जो भी हाथ में पड़ा, 2-4 कपड़ा कुछ भी था जो भी, बैग में फेंका और मैंने कहा मुझे तुरंत टैक्सी बुक करके दे दो एक। इन्होंने कहा कि मैं चलूँगा साथ, परेशान मत हो, शांति रखो, थोड़ी सी हाइपर होने से कुछ नहीं होगा। टैक्सी बुक करी मथुरा से घर के लिए। उस समय पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 2.5 घंटा कम से कम लगना ही था, भले ही कितना भी स्पीडफुली वो गाड़ी वाला चलाता, उसके बाद भी इतना तो लगना ही लगना था। निकले हम लोग तुरंत, मैं अपनी हालत तो नहीं आपको उस समय की एक्सप्लेन कर पाऊंगी, लेकिन जो सच है आज के दिन का वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। 8-10 बार फ़ोन आया मेरे पास, कहाँ हो, लाइक कजिन्स वगैरह ने किया, कहाँ हो, जल्दी करो। मैं आ ही रही हूँ, मैं पहुँच ही रही हूँ। मेरे मोहल्ले पड़ोस से भी फ़ोन आने लगे, कहाँ हो, जल्दी आओ। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, क्यों पूछ रहे हैं मेरे से बार बार। घर पहुंचने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या देखना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, किस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। बस दिमाग सन्न हो गया मेरा, मैं दौड़ के अंदर पहुंची घर में। सारी जो लेडीज होती हैं मोहल्ले पड़ोस की, गांव की मम्मी, सब लोग रो रहे थे, लाइक लिटरली चीख रहे थे। मैं जाके वहां गिर गई सीधा और मुझे समझ ही नहीं आया कि लाइक हाउ टू रिएक्ट। पड़ोस की एक आंटी थी कोई, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है किसने बोला कि भैया को देखेगी। तब मेरा दिमाग थोड़ा सा हिला, सिंपू नहीं करो बेटा, तब मेरा दिमाग थोड़ा सा हिला कि कहाँ है, लाइक मेरे दिमाग में था कि मैं देख लूँगी, यहीं तो होंगे। तब मैंने इधर उधर नज़र घुमाई और वो नहीं थे वहाँ पे। मैंने पूछा क्यों ले गए, कोई भी आदमी नहीं था घर में, कोई भी लड़का नहीं था घर में, लाइक जेंट्स नहीं थे, जैसा कि हिंदू धर्म में होता है कि जेंट्स लोग जाते हैं। तब मैंने चिल्लाना शुरू किया कि क्यों ले गए, क्यों नहीं रोका। तब किसी ने पापा को फोन किया कि थोड़ा रुक जाए। मैंने इनको बोला, ये बाहर खड़े थे घर के, इनको वापस जाना था, तुरंत मथुरा निकलना था। मैंने इनको बोला कि इसी गाड़ी से मुझे वहां तक ले चलो, मेरी मामी साथ में गई मेरे साथ। एंड मामी ने बस एक बात बोली कि देखना मत। पहली नजर मेरी पापा पे गई, एक किनारे खड़े हुए थे मेरे पापा,
भीड़ के। एंड आप लोग विश्वास करोगे कि वो 10 कदम मैं वहां सामने खड़ी थी, लेकिन वो जो 10 कदम थे ना, मैं वहां जाकर कपड़ा हटाकर देख नहीं पाई। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां जाके वो कपड़ा हटा के एक बारी देख पाऊं। मैं बस वहीं खड़ी रह गई। मामा ने फिर इशारा किया मामी को कि करना है जल्दी। तो मामी ने कहा देखते नहीं अब बेटा, चलो। मैं जैसे ही पलटी वहां से, तुरंत इतना पछतावा होता है कि काश वो 10 कदम मैं बढ़ा पाई होती, एक बार देख ली होती, एक बार आखिरी बार देख लेती। डिकम्पोज हो गई थी पूरी, ब्लैक हो गई थी, इस कलर में मैं शायद देख नहीं पाती, इसलिए मुझसे मना कर दिया गया था घर पर ही के क्या करूँगी देखकर। उतार के रखा भी नहीं गया था, एम्बुलेंस खोली तक नहीं गई थी, और ऐसे ही वो चले गए। पता है ना कि बहुत एटीट्यूड है मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती हूँ मैं, और डिप्रेशन में रहती हूँ, हंसती नहीं हूँ, बात नहीं करती हूँ किसी से, कम बोलती हूँ, क्योंकि मुझसे होती नहीं है, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। आज भी जब रक्षाबंधन होता है, भाई दूज होता है, एक रात पहले से रोना आने लगता है, पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन एक फोन नहीं आता है मेरे पास रक्षाबंधन वाले दिन, भाई दूज वाले दिन। वो कहते हैं जिसका अपना को होते हुए भी चला जाए उसको दुनिया मनहूस मानने लगती है, उससे कटने लगती है, सबको ये लगने लगता है कि इसका भाई नहीं है, इसका भाई नहीं है। आई डोंट नो क्यों मैं इतनी वीक पड़ जाती हूँ जब मुझे ये लगता है कि है ही नहीं। भले वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे रोक लगाते थे, सब कुछ था, लेकिन रहते तो कुछ और होता। काश मेरे माँ बाप आज जितने मजबूर दिखते हैं आप लोगों को, मेरे पापा इतने शांत कभी नहीं होते थे। मेरे पापा बहुत लड़ाकू झड़ाकू टाइप्स रहे हमेशा से, आज मेरे पापा एकदम लाचार, एकदम मजबूर दिखाई देते हैं मुझे। वो थे तो सब था, भले ही घर में थोड़ी सी थोड़ा स्ट्रिक्ट माहौल रहता था, बहुत रोकथाम, बहुत पाबंदियाँ, बहुत चीज़ें थी, लेकिन पता है मैं मुझे रोना अपने लिए नहीं आता है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने इमोशंस को छुपा लूँगी, सहन कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे रोना आता है अपने पापा मम्मी के लिए। वो लोग बहुत मजबूर दिखाई देते हैं, बहुत लाचार दिखाई देते हैं, भाई की दो बेटियां हैं, उन लोगों माइंड वॉश पूरी तरह से कर दिया गया है इस समय पे, एंड वो दोनों भी हम लोगों से बात नहीं करना चाहती हैं, पूरी तरह से माइंड वॉश है कि बुआ दादी बाबा नथिंग, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं लगते ये लोग। पर कहते हैं ना कि जब अपना ही नहीं है तो किसी और से क्या उम्मीद रखना, जब भैया ही नहीं है तो कोई और माने ना माने, प्यार करे ना करे, नहीं फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता। बहुत मन दुखता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस मन के अंदर बाहर निकालने के लिए, लेकिन जब यहाँ से सोचती हूँ ना तो लगता है कि सब कुछ अंदर ही रखो, मत बताओ किसी को, कुछ मत बोलो किसी से।